हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं गिले का काढ़ा चढ़ा दी हूँ और मैं जा रही हूँ कुदरुम तोड़ने। और मुस्कान उठ के आ गई है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी गिलोय का काढ़ा बैठा के और मुझे तोड़ना है कुदरुम। आप लोग को जैसे मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे तो पता होगा कि कुदरुम क्या है, फिर चलिए दिखाते हैं आपको। तो तुम अपना तैयारी करो, इसका क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है, जाओ तुम तैयारी करो, हम चलते हैं कुदरुम तोड़ने। मेरा दूसरा बच्चा भी उठ गया है, देखिए। गुड मॉर्निंग बोलो तुम भी। गुड मॉर्निंग बोलो, दूध मॉर्निंग नहीं बोला जाता है। गंदा बच्चा। चलो हम कुदरुम तोड़े जा रहे हैं, कुदरुम बना रहे हैं। कुदरुम कुदरुम, ओहो क्या बोलते हैं, नाम भी भुला गए हम, तभी से कुदरुम कुदरुम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं। तो ये कुदरुम नहीं है, ये कुंदरी है, जो मैं बोलने में गड़बड़ कर रही थी क्योंकि दोनों का नाम बिल्कुल सेम सेम है। कुदरुम कुंदरी दोनों का कस है, तो मेरे मुंह से बार बार कुदरुम कुदरुम ही निकल रहा था। असल में ये कुंदरी है, ये कुंदरी, जिसे मैं बार बार कुदरुम बोल रही थी। मन्नू जब बोला मुझे, जब मैं बोल रही थी कुदरुम कुदरुम तो बोला कुदरुम, तो फिर मुझे अचानक से याद आया, अरे कुदरुम तो नहीं है, ये तो कुंदरी है। तब मुझे लगा कि हाँ कुंदरी। मैं तब से कुदरुम कुदरुम कर रही थी। तो ये कुंदरी है। कुदरुम अलग होता है, वो अलग तरीके का होता है, वो खट्टा खट्टा होता है, उसका अलग ही डिश होता है। कभी मैं बताऊंगी जब होगा, तो अभी वो उसका सीजन है नहीं, तो जब उसका सीजन होगा तब मैं उसको दिखाऊंगी, बताऊंगी। ये कुंदरी है, तो इसका मैं भुजिया बनाने वाली हूँ। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं इसका भुजिया बनाऊंगी। और दाल बनेगा शायद, और क्या बनने वाला है देखते हैं। मिर्चा हो जाएगा तो इसमें कुदरुम डाल देना है। बहुत सिंपल सा है ये, कुछ करना नहीं होता है। तेल देके मिर्च दीजिए और कुदरुम डाल दीजिए, बस ऐसे भून दीजिएगा, हो जाएगा। फिर नमक डालना है, हल्दी डालना है, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल सा और अच्छा लगता है खाने में। आज पर्दा धोना है, तो मनु उतार दिया है, उसको डाल देते हैं मशीन में। कहे कि पर्दा भी गंदा हो गया, और पर्दा के ऊपर जो होता है ना ये वाला, ये तो ये गंदा भी हो गया है, इसमें झोल हो गया है पूरा यहाँ, तो इसको भी साफ कर देंगे। करना तो था थोड़ा पहले ही, लेकिन बारिश की वजह से लाइट ही गुल रहता था, तो धोने के लिए उतारे नहीं, अभी डाल देते हैं। क्या हुआ ना, कीड़ा नहीं दाल, ओ तो बक्का से ना थोड़ी कुछ कीड़ा है इसमें। फिर से कीड़ा हो रहा है इसमें ना। ये दोनों, हाँ बोला थोड़ा नीचे से काटो ना, हाँ वही आसपास से, उधर को देखो, और नीचे हाँ वहाँ से, वहाँ जड़ जैसा निकल गया है। इसको लगा देने से लग जाएगा डाल। नहीं हो गया। यहाँ पे कड़ी है जिसको मनु बांध रहा है क्योंकि पसर गया था पूरे ज़मीन में। उधर नेनुआ और कद्दू लगा के रखे हैं तो जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता था, तो ही मनु बांध रहा है इसको अच्छे से समेट के ताकि दिक्कत ना हो उधर जाने के लिए। और इधर कद्दू और नेनुआ है तो लतर बार बार हटाने के बाद भी दीवार पे चढ़ जा रहा है। और इतना अच्छे से झांक लगा के रखे हैं फिर भी दीवार पे ही जा के चढ़ रहा है, तो वही मनु समेट दे रहा है उसको ताकि अच्छे से इसके ऊपर फैले और फले अच्छा से, क्योंकि उधर चल जाएगा तो उधर पार हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे उसी को समेट रहा है अच्छे से, पूरा दीवार पे चढ़ गया था एकदम, तो उसको अच्छे से धीरे धीरे करके छुड़ाया है और उसी पे झांक के ऊपर चढ़ा रहा है। और यहाँ पे मेरा नीचे में पपीता लगा हुआ, अभी दिखाते हैं आपको। उसको लगाए थे थोड़े दिन पहले भी निकाल के गमले से, अभी देखिएगा, अभी दिखाएंगे। ये लत्तर देखिए कितना अच्छे से मनु चढ़ा रहा है। फूल भी काफ़ी हुआ है, अभी फल लगा नहीं है लेकिन लग जाएगा थोड़े दिन में, फूल हो गया है तो। और फल वाला दिखा नहीं है अभी तक, एक दो दिख रहा था, बाकी तो ऐसे ही था। और नीचे में मेरा पपीता भी है, आपको दिखाते हैं अभी, देखिएगा। यहाँ देखिए कितना अच्छे से चढ़ा रहा है, थोड़ा सा झाँक और देना था लेकिन नहीं है। ये देखिए ये है मेरा पपीता, और एक पपीता है, इसको थोड़े दिन पहले ही लगाए थे, अभी बिल्कुल छोटा छोटा था, अभी बड़ा हो गया है, बढ़ जाएगा लग रहा है। देखिए ढोकला बना रहे हैं आज, सूजी का ढोकला, बेसन का नहीं, सूजी का ढोकला बना रहे हैं। इसको दही के साथ सूजी को फेंट के रख दिए थे पहले ही, आधा घंटे पहले। इसमें कोई माप तोल के नहीं बना रहे हैं, बस अंदाजे से बना रहे हैं क्योंकि कोई शेफ तो है नहीं हम। तो सूजी में उतना ही दही डालना जिससे वो फिटा जाए, अगर फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी डालना नहीं है। तो हल्का पानी दे के और दही दीजिए और फेंट दीजिए, और उसको इतना बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है, इतना होना चाहिए। और यहाँ कढ़ाई में पानी दे दिए हैं, बॉयल हो रहा है। और इसके लिए आप ये जाली वाला ये स्टैंड आता है, दे देखिए, इसे भी दे सकते हैं या फिर कटोरी, तो मैं कटोरी ही दे रही हूँ क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसको मैं कटोरी को इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से पानी ज़्यादा गर्म हो गया है इसलिए उबल रहा है, अभी डालूँगी तो सही हो जाएगा। और ये प्लेट, इसी पे मैं बैटर डालूँगी, तो इसको बैटर को डालने से पहले इसमें मैं ग्रीसिंग कर ली हूँ ऑयल से, तो और मैं इसको डाल देती हूँ। देखिए इसको मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसमें सोडा भी डालना होता है तो वो सोडा डाल दीजिए, बेकिंग सोडा या फिर इनो। अब इसे मैं ढक देती हूँ, इसको पहले अच्छे से उतारने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो किनारे किनारे से तो छुड़ा लेना है। इसको काट के पहले पीस कर लेना है, फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा चीनी पानी घोल कर रखे हैं तड़का लगाने के लिए, इसको लास्ट में डालेंगे। इसके लिए पहले तेल गर्म हो गया है, इसमें सरसों देंगे, फिर सरसों चटक जाएगा तो फिर मिर्चा, ज़्यादा चटकता है। फिर इसमें चीनी पानी घोल कर रखे थे इसको डाल देना है। नहा लिया, ब्रश नहीं हुआ है तो नाश्ता बन गया। हम उसको नाश्ता देने जा रहे थे, अभी ब्रश कर रहा है नहाने के बाद। खाना खाना देख के ब्रश नहीं किया, खाना देख के याद आ गया। हम सोच रहे हैं कि अब नहा लिया जल्दी से निकाल रहे हैं, जो ब्रश करते हुए आ रहा है। जा जब ब्रश करो। ये मुस्कान का है, मुस्कान क्लास चल रहा है लेकिन हम दे रहे साइड से, धीरे धीरे खाएगी। अभी मेरा नहाना हो गया, अभी बज गया है 3। देखिए दिखेगा, अभी 3 बज गया है। लेट हो गया काम करते करते। मुस्कान को खाना दे दी, मुस्कान खाना खा रही है। क्या खा रही है मुस्कान? कुंदरी। आज कुंदरी बनाए थे, वही खा रही है। उनके दिखाते हैं। अभी मुस्कान खा लेती है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और लेट होगा, कपड़ा धोने के लिए डालना है क्योंकि अभी मैं कपड़ा नहीं डाली हूँ। अभी जस्ट नहा के निकल ही रही हूँ और मुस्कान काफ़ी देर हो गया तो मैं सोची कि मुस्कान को दे देती हूँ खाने के लिए पहले, तो वो खा रही है। मैं अभी कपड़ा डालती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा बाल उल मेरा थोड़ा सूख जाए पानी, उसके बाद मैं खाऊंगी। अब मन्नू बाहर गया हुआ है, वो कब तक आएगा पता नहीं, तो मैं अभी चलती हूँ, पहले कपड़ा डाल देती हूँ। अभी मैं कपड़ा डाल दी हूँ, अब बस अब होने ही वाला है। मैं खाना भी खा ली हूँ, मुस्कान भी खा ली है। अब थोड़ा बैठती हूँ, बाल भी गीला है ना, बारिश का दिन में बाल गीला रहता है तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। देखिए बाल कैसे साइन कर रहा है। आज मैं मेहंदी लगाई थी, मैं दिखाई नहीं, क्या दिखाना, मेहंदी लगाई हूँ तो। लेकिन मेहंदी लगाने से बाल कितना साइन करने लगता है। ये मेहंदी है जो बाल बचा के रखा हुआ है, वरना मेरे बाल तो कब के ख़त्म हो गए होते हैं। मेरे बाल पहले काफ़ी लंबे लंबे थे, मगर मेरा जब एक्सीडेंट हो गया तो उस समय इतना बाल झड़ने लगा, इतना बाल झड़ रहा था बिल्कुल, मतलब कि ऐसे ऐसे करती थी तो पूरा हाथ में मेरे बाल आ जाता था, ये कंडीशन हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास भी गई, दिखाई, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उससे, और वो दवा भी काफ़ी कॉस्टली था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और जो शैम्पू दिए थे डॉक्टर, वो तो बाल को ऐसे बिल्कुल रफ कर देते, मतलब ऐसे करने से वो उसमें बाल भी नहीं जाता था, हाथ भी नहीं जाता था मेरे बालों में, ये कंडीशन हो गया था। तो फिर मैं लास्ट में, फिर पहले भी मेहंदी लगाती थी तो वो डर से मैं नहीं लगा रही थी कि बाल ऐसे ही पहले से ही काफ़ी झड़ रहा है, फिर और मेहंदी लगाऊंगी तो उसको तो रखना पड़ता है 2 घंटा कम से कम, तो रखूँगी तो वो भी क्या और झड़ेगा। लेकिन फिर मैं सोची कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, लगाते हैं। तो मैं लगाई तो 1-2 बार लगाते ही मेरा पूरा मतलब कि झड़ना बंद हो गया बाल। अब देखिए अभी काफ़ी साइन कर रहा है, वरना पता नहीं क्या होता। यहाँ मेरे सामने में जितना भी ये बाल ये खाली दिखता है ना, ये सब झड़ गया। अभी काफ़ी बाल मेरा निकल गया है, छोटा छोटा काफ़ी बाल है। ये सब बाल पता भी नहीं चल रहा है, ये सब बाल मेरे अभी नया नया निकला हुआ है पूरा। मेरा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं टकली ही होने वाली हूँ, बचेगा नहीं मेरे सर पे बाल। मेरे बाल कितने लंबे लंबे थे, बहुत खराब होता है क्या करूँ। इसी वजह से मुझे कटाना पड़ा क्योंकि बाल इतने झड़ रहे थे, तो ऐसे मतलब थोड़ा क्या बोलूँ कि मतलब कि अगर 8-10 भी बाल रहता तो ऐसे लगता था कितना बाल है। तो मेरा तो काफ़ी झड़ रहा था बिल्कुल, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद करीब मैं 15 दिन तक बाल धोई नहीं थी, और पूरा चोट की वजह से, जैसे ये सर में मेरा चोट का निशान है, यहाँ पे टाका लगा हुआ है तो इसमें चोट लगा हुआ था ना, तो उसका ब्लड बहुत काफ़ी निकला था, तो वो पूरा बाल में मेरे पूरा माथा में 15 दिन तक ये रह गया था। शायद उसी की वजह से या चोट की वजह से, जो भी कारण था, काफ़ी मेरा बाल झड़ गया था बहुत। मैं तो डर ही गई थी कि क्या होगा, लेकिन मेहंदी बचा लिया। इसलिए मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बाल जिसके सफेद होते हैं वही लगाते हैं, वैसे मेरे बाल काफी सफेद, मेरे बाल तो काफी टाइम से ही सफेद है मगर मेहंदी से बच गया मेरा बाल। और अभी तो काफी लंबा हो गया है, इससे बीच में मैं एक बार और कटा ली थी कि क्या अभी उतना बाल नहीं रह गया ना पहले से, तो लंबा बाल करके क्या करना, लंबे बाल पतला पतला लंबा सा चोटी पूंछ की गाय की पूंछ की तरह ऐसा लगता है, तो मैं सोची कि चलो कटा लेती हूँ, अगर थोड़ा मोटा हुआ तो बढ़ाऊंगी। अभी तो पहले से काफी ठीक है, देखती हूँ क्या करती हूँ, बढ़ाती हूँ या फिर कटवाती हूँ, अभी तो है ऐसे ही। अभी कब कटवाई थी मैं, 6 महीने के लगभग, 6 महीना हो गया मैं कटवाई थी इसे। अभी इतना बड़ा हो गया बिल्कुल, ये छोटा छोटा इतना छोटा छोटा करवा ली थी क्योंकि बहुत झड़ रहा था, तो ये एक्सीडेंट की वजह से ही सारा मेरा बाल भी खत्म हो गया, ये आँखों के सामने ये सब ऐसे हो गया है। क्या करूँ, जो नियति में है वो होता है। मैं काली मेहंदी नहीं, मैं हर्बल मेहंदी लगाती हूँ। ऐसा ना सोच लें आपकी काली मेहंदी लगाती हूँ, मैं हर्बल मेहंदी लगाती हूँ। काली मेहंदी तो मैं कभी लगाई ही नहीं हूँ, पता नहीं कैसा होता है, क्या बाल पता नहीं खराब हो जाता है क्या होता है, इसलिए मैं कभी लगाई ही नहीं हूँ और ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगाने का काली मेहंदी। ये मेहंदी से जो वाइट बाल होते हैं वो रेड रेड हो जाते हैं, काफ़ी होता है। और मुस्कान को भी लगा देती हूँ मैं कभी कभी ना, मुस्कान भी बहुत बार लगाई है मेरे साथ में, उससे बाल बहुत सिल्की सिल्की हो जाता है, शाइन भी करने लगता है ना। मुस्कान भी आज हेयर वॉश की है, मतलब दोनों जन साथ साथ में ही हफ्ते में दो बार शैम्पू कर लेते हैं, कभी कभी 3 बार। ज़्यादा गर्मी रहता है तब तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, तो ऐसे भी धो लेते हैं। तो हमारा आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है ऐसे भी, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, तो मुस्कान लाइक करना चाहिए ना, लाइक ज़रूर करना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, बाय।